फॉरगिवनेस क्या होती है? किसी को माफ कर देना, दरगुजर कर देना. किस चीज से निकला है वर्ड फॉरगिवनेस? फॉरगो. फॉरगो जो वर्ड है उससे निकला है लव्स फॉरगिवनेस. सो इट इज बेसिकली टू लेट गो. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पाथ टू फॉरगिवनेस. अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि जब शुरू शुरू में आते हैं यहाँ पे, इंडोर्स होते हैं, तो बहुत रिजेंटमेंट्स होती हैं फैमिली के खिलाफ. हमें बहुत गुस्सा चढ़ता है फैमिली पे कि पता नहीं मुझसे पूछा भी नहीं और मुझे इंडोर्स करा दिया है, मेरे से बात तो कर लेते एक दफ़ा, मैं आ जाता खुद ही चल के, मैंने तंग तो नहीं करना था, मैं एक्सेप्ट भी कर लेता. ये रिजेंटमेंट्स जो हैं ये चलती रहती हैं और फिर जब आउटडोर्स होते हैं तो ये रिजेंटमेंट्स हमारी सामने आती हैं, और जब ये रिजेंटमेंट्स हमारी सामने आती हैं तो हमारी रिकवरी नहीं चलती है, प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, डिनाइल ऐसी चीज़ है जो आती जाती रहती है, आपको कॉन्शियसली उसको बार बार तोड़ना होगा, क्योंकि डिनाइल दो तरह काम करता है, ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली काम करता है और कॉन्शियसली भी काम करता है. तो आपका काम है, हो सकता है आपका ऑटोमेटिकली डिनाइल बार बार आ रहा हो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कॉन्शियस एफर्ट डाल के इसको किया जाए, रिबट किया जाए या इसको तोड़ा जाए डिनाइल को. तरीका ये है कि रिमाइंड कराएं अपने आप को कि कितने हालात मेरे ख़राब थे जिसकी वजह से मुझे इंडोर्स आना पड़ा था. ऐसे ही होता है, लेकिन हर दफ़ा अपने अपने आप को बार बार रीअसर्ट करना होता है. एक चीज़ होती है सेल्फ असर्शन की, हम दूसरों को भी असर्ट करते हैं ना, अपने आप को भी असर्ट करना होता है इस चीज़ पे बार बार. जो अब ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक अगर हम किसी और के साथ यूज़ कर रहे हैं ना, अपने साथ भी यूज़ करनी चाहिए वो टेक्निक. इवेंचुअली विल स्टार्ट बिलीविंग इट एज वेल कि वाकई मसला था और मुझे इंडोर्स होने की ज़रूरत थी. लेकिन आप ये करते रहे हैं तो आपने डिनाइल को आगे आने नहीं दिया, तो यू मेड इट टू वन ईयर, राइट? मॉरल इन्वेंट्री तो बहुत ज़रूरी है, इट्स वन ऑफ द 12 स्टेप्स. ये तो लाजमी होना चाहिए कि मॉरल इन्वेंट्री होनी चाहिए. डोंट वेस्ट टाइम के ना बनाएं, फिर से बना लें, डिले ना करें इसको. एक्सेप्ट इस तरह करें कि आप अपने दिल को मनाना शुरू करें कि मैं बेहतरी के राह पे जा रहा हूँ. जो आपकी मदर की तकलीफ आपको नज़र आती है, जो आप कह रहे थे कि वो रोना शुरू हो गई थी, मैंने उनको हग करना था, वो किस वजह से रोई थी उस बारे में सोचे. आपकी वजह से रोई थी ना, तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने ठीक होना है, कल को मेरी माँ फिर नहीं रोएंगी, तो ये आपके लिए एक मोटिवेटर होगा 100 डेज को गुजारने का, क्योंकि आप बेहतर होंगे, क्योंकि उनकी भी काउंसलिंग होगी इस दौरान. वो इतनी तकलीफ से गुजरी है, तो ये है ना, देखे इट्स नॉट ईजी बींग अ सिंगल मदर. फिर उनका बच्चा इस तरह ड्रग एडिक्शन में चला जाए, फिर अपनी बेटियों को भी संभालना, जाहिर सी बात है उनकी तकलीफ है. वही बात फॉरगिवनेस की, फॉरगिव हर एंड फॉरगिव योरसेल्फ एज वेल. सबसे पहले बिगिनिंग से अपने आप को पहले फॉरगिव करें, फिर दूसरों को फॉरगिव करें. जब तक अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, आप दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी. फर्स्ट स्टेप टू फॉरगिवनेस इज एक्चुअली गोइंग थ्रू लॉस, लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ. एक्सेप्टेंस सेकेंड पे आती है, पहले लॉस आता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ, लॉस ऑफ समथिंग. आप लोगों का क्या लॉस हो रहा होता है जब आप लोग इधर आते हैं इलाज करवाने? फ्रीडम लॉस्ट होती है, नहीं इंटेग्रिटी लॉस्ट नहीं होती. वो आप अगर फील करेंगे ना कि इट्स डिसरिस्पेक्टिंग यू, फिर आपको लगेगा, बट एक्चुअली में तो वो आपको हेल्प कर रहा है टू डिफरेंशिएट बिटवीन योर एक्चुअल सेल्फ एंड योर डिजीज्ड सेल्फ. ट्रस्ट का लॉस होता है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फॉरगिवनेस इज एक्सेप्टिंग कुछ चीज़ें विल बी लॉस्ट बट दे विल ऑल्सो बी रिकवर्ड बाद में. अब ऐसी बात नहीं है कि वो रिकवर नहीं होंगी. फ्रीडम रिकवर हो जाएगी, इंटेग्रिटी रिकवर हो जाएगी, आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स रिकवर हो जाएंगे, ट्रस्ट रिकवर होगा, होता है बट रिकवर भी हो जाता है बाद में. ऐसे कोई इरिवर्सिबल लॉसेस बहुत कम होते हैं जो रिकवर नहीं हो सकते, ज़्यादातर लॉसेस ऐसे होते हैं जो रिकवर हो सकते हैं. हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि एक्सेप्टेंस आती है. एक्सेप्टेंस के बाद फिर फॉरगिव करते हैं अपने आप को. तो एक एक करके लेके चलते हैं. पहले तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस एक ही ब्रिज मेटाफोर है कि आप इस तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ फॉरगिवनेस है. इस तरफ कांटे हैं, इस तरफ तकलीफ है, इस तरफ दर्द है, दुख है, सब कुछ है. द मिनट यू क्रॉस द पाथ टू फॉरगिवनेस, एवरीथिंग्स फाइन. अच्छी है, रोजी है यहाँ पे जगह, इट्स कूल, इट्स काम, इट्स सॉफ्ट, इट्स काइंडर. Why? Because आप अपने ऊपर अब लागू नहीं कर रहे चीज़ों को. आप अपने आप को बार बार कोस नहीं रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया. आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने वो पेनफुल फीलिंग्स को पीछे छोड़ दिया है एंड यू आर रेडी कि अब मैं नई चीज़ों को और अच्छी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करूँ. एग्जैक्टली, शेम हीलिंग भी इसमें आती है. शेम हीलिंग का भी कॉन्सेप्ट फॉरगिवनेस के अंदर आता है, बिकॉज
शेम हम क्यों फील करते हैं, टॉक्सिक शेम हम क्यों फील करते हैं? कहीं ना कहीं हम अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं ना, अहमद साहब गिल्टी होते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया था. बट द मिनट वी एक्सेप्टेड कि ठीक है हो गया था मेरे से, बट द थिंग इज कि मैं उस टाइम पे बीमार था, अब मैं बीमारी से निकल रहा हूँ, बेहतरी की तरफ आ रहा हूँ, तो हम हेल्दी शेम में जाना शुरू हो जाते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉन्सेप्ट है एक, कि एक टॉक्सिक शेम होती है जो आपको नुकसान पहुंचाती रहती है, एक हेल्दी शेम होती है जो एक्चुअली में आपको लिबरेट करती है उस चीज़ से. हेल्दी शेम आपको लिबरेट करती है, टॉक्सिक शेम आपको बाइंड करती है. एक बहुत खूबसूरत बुक है, हीलिंग द शेम दैट बाइंड्स यू. आई वुड रिकमेंड कि सब पढ़े इस चीज़ को. इट्स अ ग्रेट टूल एंड अ ग्रेट बुक टू गेट आउट ऑफ शेम, टू अंडरस्टैंड कि शेम ऑपरेट कैसे करती है और उसे बाहर कैसे निकलना. बेसिकली इट्स लाइक अ ब्रिज. फॉरगिवनेस एक ब्रिज है कि आप एक तरफ से एक पेनफुल जगह से एक काइंडर सॉफ्टर जगह पे जा रहे हैं बिकॉज आपने अपने आप को माफ़ कर दिया और आपने दूसरों को भी माफ़ कर दिया. कि दूसरों से भी अगर कुछ हुआ है तो उनको भी माफ़ किया, लेकिन सबसे पहले आपने अपने आप को माफ़ किया. क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं करेंगे माफ़, आप दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. बेसिक जो डेफिनेशन है फॉरगिवनेस की अगर हम देखें वो ये है कि अनकंडीशनल लव, अनसेल्फिश और एन एक्ट इन विच वी लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. के दरगुजर कर देना, जो बात की पहले इधर हमने, कि दरगुजर कर देना, लेट गो कर देना, फॉरगेट कि जो हुआ था. तो एक एक करके लेके चलते हैं उसके स्टेप्स. इट्स अ जर्नी, फॉरगिवनेस इज अ जर्नी. एकदम से आती नहीं है फॉरगिवनेस, इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले लॉस है, लॉस की बात की फॉरगिवनेस के सेंस में. या जब हम इधर आते हैं, अगर हम ये लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं तो बहुत टॉक्सिसिटी होती है हमारे अंदर, हम फैमिली के भी ख़िलाफ़ हुए होते हैं, फैमिली से भी हमें गुस्सा होता है कि पता नहीं क्यों इंडोर्स कर दिया है, और हम चाह भी रहे होते हैं कि हमारी हेल्प हो, लेकिन हम हेल्प एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि हम लॉस फील कर रहे होते हैं. बिकॉज देखे, इतने सालों से जब हमने एक चीज़ को डिवोट किया हुआ था अपना टाइम, और उसमें ख़राबियाँ आ रही थी, अगर हम थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे अपनी बहाली के लिए, आगे की परमानेंट बहाली के लिए, तो इट्स नॉट अ बैड डील. कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? थोड़ी सी हमें मुश्किल काटनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसके एंड पे लिबरेशन ही है ना, फ्रीडम ही है, फिर बेहतरी है. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. Every offense or hurt we encounter leads us to a loss of self. Ke we start feeling bad about ourselves. Hum acha nahi mehsoos karte apne bare mein. Apna loss of sense of self hota hai. Kya samajhte hain isse? Ke loss of sense of self hai. Aapki apni jo values hogi, aapki apni integrity, aapki apni personality, jaise aap the, wo aista aista standards jo the aapke morals, aapke ethics, सारे लॉस हो जाते हैं ना, ख़त्म हो जाते हैं एक्टिव एडिक्शन में. तो ये बेसिकली है. वी कैन लूज ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड फेथ. काफ़ी लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे कि जब इंडोर्स आते हैं पहले दिन क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू, तो ये सबसे ज़्यादा होता है हमें, ट्रस्ट का और सिक्योरिटी का और फेथ का, कि बात तो कर लेनी थी. हो भी सकता है, असल में यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट्स एवरी नाउ एंड देन किसी पॉइंट पर उन्होंने हेल्प ज़रूर मांगी होती है फैमिली से. वो एक क्राई फॉर हेल्प जो होती है ना, कि बॉडी इतनी पेन से गुजरी, इतनी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, तो वो एक तंग आके जो हम क्राई फॉर हेल्प करते हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लें, मेरी मदद कर दें, वो हम कहते ज़रूर हैं. देखिए वो हम तब कहते हैं
वो हम कहते हैं तब है जब हम इंतहाई पेन में होते हैं, जब हम उस पेन से निकल आते हैं तब हमें लगता है सब एवरीथिंग्स फाइन, तो हम कहते हैं मैंने तो ये की नहीं बात। बिल्कुल, इट इज एविडेंट, आप उनकी तकलीफ साफ साफ देख सकते हैं, नजर भी आती है तकलीफ, एंड दे कांट हेल्प इट, उनके इख्तियार में नहीं होती वो तकलीफ, बेबसी होती है उनकी, बिल्कुल होती है, वो क्राई फॉर हेल्प होता है, कुछ डायरेक्टली मांगते हैं हेल्प, जैसे हसन साहब ने हेल्प मांगी थी, उसके बाद डिनायल वापस आ गया था हमारा, तो हमने उसको तलखा दिया था बात को कि चलो ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि जब रिजेंटमेंट्स आगे आती है हमारे नेचुरली थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, हमारे बिहेवियर्स नेगेटिव हो जाते हैं, और वो एंटी रिकवरी चलना शुरू हो जाते हैं, दे वर्क अगेंस्ट अस इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस। फॉरगिवनेस एक्चुअली हमें वो जैसे मैजिक कारपेट नहीं होता, उस पर बैठ के हम फ्लोट करेंगे उस पर, अगर हम अपने आप को फॉरगिव कर लेंगे और शेम से निकल आएंगे तो। देखें, हम रेकमेंड नहीं करते कि मेमोरीज वाइप आउट कर दें, इस तरह कुछ कर लें, अगर आप एक्टिव एडिक्शन की जो उनकी सारी चीज़ें हैं फ़ोन में, अगर आप अपनी सुपरविजन में उनसे डिलीट करवा देते हैं, सो आई थिंक दैट्स फाइन। देखें, बट हम रेकमेंड ये करते हैं कि एक्टिव एडिक्शन से जो भी चीज़ रिलेटेड है ना, उस सब को वाइप आउट कर दें, बिकॉज उससे यूफोरिक रिकॉल्स आ सकता है। नहीं, ट्रस्ट का इशू भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, बिकॉज देखें, जाते साथ ही तो ट्रस्ट नहीं कर होता ही नहीं है, ट्रस्ट नेचुरल सी बात है, जब किसी का ट्रस्ट टूटता है फौरन एकदम से ट्रस्ट बहाल नहीं होता, इट गेट्स बिल्ट अप ओवर टाइम। मोबाइल चेक करने को कोई नहीं कह रहा, आप लोगों ने मिसकंसीव कर लिया मेरी बात को, मिसपरसीव किया मेरी बात को, चेक कोई नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी एक्टिव एडिक्शन में, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी इतनी वल्नरेबल स्टेट होती है, इफ़ यू कम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ यू स्मोकिंग और इफ़ यू कम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ यू ड्रिंकिंग, इमीडिएटली क्रेविंग ट्रिगर होगी, इमीडिएटली यूफोरिक रिकॉल्स आएंगे, रिकवरी जेपरडाइज होगी। लेकिन देखें, हम फैमिली को ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि फ़ोन ही फैक्ट्री रीसेट कर दें, फ़ोन ही बेच दें या इस तरह कुछ कर दें, हम ये रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर फैमिली वो डिसीजन लेना चाहती है तो वो ले सकती है फैमिली डिसीजन, तो इसका सलूशन ये है कि फिर आप खुद ही डिलीट कर दें, चले ना करें इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल, लेकिन अगर फैमिली कह रही है तो उस पर गुस्सा भी नहीं करना ना कि मुझे कह क्यों नहीं डिलीट करें चीज़ों को, नहीं, अगर फैमिली कहती है, अक्सर बात ऐसे होते हैं फैमिली कहती है कि डिलीट करें चीज़ें, गुस्सा करते हैं आगे से कि क्यों कह रहे हैं डिलीट करें, अगर सामने आ गई है चीज़ तो एकदम से ट्रिगर होगी आपकी, क्रेविंग ट्रिगर होगी, इट्स वन ऑफ द एक्सटर्नल ट्रिगर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर है ये आपका, कि आपने अगर ऐसी कोई वीडियो देख ली है या कोई पिक्चर देख ली है अपनी एक्टिव एडिक्शन की, इसी तरह तो यूफोरिक रिकॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, इफ़ यू कीप सीइंग दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एक पॉइंट आएगा कि आपका दिल करेगा कि उसमें वापस जाएं, कितना मज़े का टाइम था, अच्छा फील होता था हमें, तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है, विदाउट इन्वेजन कर लें, लेकिन रेकमेंड है कि कर लें, डिलीट कर दें, कम्प्लीटली वाइप आउट ना करें मेमोरीज, कुछ भी होती हैं, सोबर मेमोरीज भी होती हैं, आप ये भी तो देखें ना, यूर वन ईयर इनटू रिकवरी, अगर ये कोई चीज़ इमीडिएटली आउटडोर्स में जाके कर रहे हैं ना, 3 मंथ्स के बाद जैसे ही स्टैंड स्कूल में फ़ोन मिले, तब वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, आराम से ट्रिगर हो सकती है, लेकिन जब रिकवरी थोड़ी सेटल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है रिकवरी, बिकॉज रिकवरी के भी पीरियड्स होते हैं ना, तो जब आप आ जाते हैं स्टेबल पीरियड में, तो फिर ये चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होगा किसी को ये कहना यू आर नॉट सूटेबल फॉर मी, बहुत मुश्किल होगा, इस पॉइंट पे आके कहना इज ईजी फॉर यू, वाई, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड योर रिकवरी, अब सोब्रायटी के ऊपर है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है लॉस के बाद, एंगर, जो हम शुरू शुरू में फील करते हैं, और शुरू शुरू की हमारी जो मीटिंग्स हैं फिर वो ख़राब होती हैं, टच एंड गोस ख़राब होती हैं, हम गुस्सा करते हैं, थ्रेट्स देते हैं फैमिली को, अग्रेसिव हो जाते हैं, और चीज़ें तोड़ने पे भी आ जाते हैं, साइलेंस में भी चले जाते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं मिलना, हम इसी वजह से तो टचिंग उस जल्दी रैपअप करवा देते हैं जैसी मीटिंग ख़राब होने लगती है, बिकॉज ये यूज़फुल नहीं है रवैये। अगर फैमिली इतनी दूर से मिलने आ रही है और आपने फ़र्स्ट थिंग फैमिली को थ्रेट ही देना है, तो फिर उनसे मिलने का फ़ायदा नहीं है कोई, तो लेकिन उस टाइम पे हम एंगर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो नेचुरल है, आता है गुस्सा शुरू में, कोई हमें हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ अगर इधर ले आए तो एंगर तो होता है हमें, इट्स अ रिएक्शन टू आर लॉस, लॉस्ट फ्रीडम, लॉस्ट फोन, लॉस्ट लेजर एक्टिविटीज़, रिलेशनशिप्स, जो कुछ भी, जिस चीज़ का भी लॉस होता है, तो उसका रिएक्शन जो है वो है एंगर, लेकिन इट्स नेसेसरी फॉरगिवनेस के लिए, इट्स गुड टू फील एंग्री फॉर अ वाइल, उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वैल्यू एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके लिए कुछ एग्जिस्टेंशियल टेक्निक्स होती हैं, जिससे आप अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ वापस ढूंढते हैं, यू स्टार्ट ग्राउंडिंग योर सेल्फ
और फिर सोचते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है. कुछ टेक्निक्स हैं विच वी कैन गो ओवर विद यू. साइकोथेरेपी ग्रुप में हम ये चीज़ कर सकते हैं. टेक्निक्स होती हैं उसके लिए, कुछ ये करने के लिए कुछ डायलॉग्स होते हैं जो हम कर सकते हैं टू फाइंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ अगेन. सबसे पहले तो ये समझने कि हम गुस्सा फील क्यों कर रहे हैं. व्हाई एम आई फीलिंग एंग्री. ये है कि आई एम एंग्री देयरफॉर मस्ट बी थ्रेटन्ड. ऐसी लग रहा होता है ना कि हमारी सैनिटी शायद थ्रेटन हो रही होती है या हमारी फ्रीडम थ्रेटन हो रही होती है. हमारी लाइफ जैसे गुजर रही थी अब वो सेम नहीं रहेगी तो वो थ्रेटन हो रही है. वो चीज़ समथिंग इज थ्रेटन्ड मी और समथिंग इम्पॉर्टेंट टू मी. ज़्यादातर केसेस में फैमिली ऑफ कोर्स. व्हाट इज़ दिस थ्रेट. थर्ड क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ. अब वो क्या है. नहीं थ्रेटन जो आपको कह रही है चीज़, जो चीज़ आपको थ्रेटन कर रही है वो एक्चुअली में आपकी डिजीज़ है जो आपको बता रही है टू फील थ्रेटन्ड. वाई. बिकॉज यू इन्जॉयड दैट लाइफ. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू इन्जॉय दैट सेम लाइफ अगेन. फोर्सिबली शुरू में तो आपको लग रहा होता है ना कि फोर्सिबली मुझसे अवॉइड कराया जा रहा है. बट इवेंचुअली जब हम आ जाते हैं रिकवरी में तो हम खुद ब खुद उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. ये ऐसे एंगर जो है मैनिफेस्ट करता है हमारे अंदर. तो ये सेकेंड स्टेप है टूवर्ड्स फॉरगिवनेस. पहला लॉस है कि यू फील लॉस, देन यू फील एंग्री. जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ हैं वो भी कुछ ऐसे ही चलती हैं. उसमें भी एंगर आता है कि व्हाई डिड दैट पर्सन लीव. वो क्यों चला गया दुनिया छोड़ के. शौक भी होता है उसमें अलहदा. हाँ बिल्कुल शौक भी होता है. उसकी पहली स्टेज तो डिनाइल होती है कि यू रिफ्यूज टू बिलीव दैट समथिंग लाइक दैट हैपेंड. फिर आती है एक्सेप्टेंस कि यू एक्सेप्ट द पास्ट एंड व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड. किस किस ने कर लिया अपना पास्ट एक्सेप्ट कि जो कुछ हुआ था इट हैपेंड और क्यों हुआ था. ये भी समझ लिया हमने कि क्यों हुआ था. ये बीमार जेन की वजह से, डिजीज की वजह से. बिल्कुल डोमेन्स हमारी ख़राब हुई होती है ना तो उस टाइम पे जो गलत चीज़ें होती हैं वो भी हमें ठीक लग रही होती हैं. मिस्टेक एंड बिलीव्स थे. द नेक्स्ट थिंग इज कि यू एक्सेप्ट योर सेल्फ विदाउट फियर एंड विदाउट रिग्रेट. जो आपकी वो अगली सेल्फ थी, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आई एम यूजिंग दिस वर्ड, जो वो आपकी सेल्फ थी बिकॉज वो अच्छी तो नहीं थी ना, डिजीज्ड सेल्फ थी. बट आपने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया विदाउट रिग्रेट विदाउट फियर कि ठीक है जो हो गया हो गया, लेट्स मूव ऑन नाउ, तो आप खुद ब खुद वो जो आपने एक अपने आप को हथकड़ी बांधी हुई है इस चीज़ की वो उतर जाएगी. यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. नहीं तो वो आपको पीछे ही खींचती रहेगी हर दफ़ा. एवरी टाइम यू ट्राई टू मूव फॉरवर्ड वो आपको वापस खींचेगी क्योंकि वो स्टक है. तो वो लूप चलता रहेगा. तो उसको तोड़ने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को विदाउट फियर विदाउट रिग्रेट एक्सेप्ट कर लें कि देर आर सम गुड डेज देर आर सम बैड डेज. हमारी लाइफ में एक बहुत बुरा फेज आया बट नाउ वो फेज चला गया. ऑफकोर्स फैमिलीज को भी समझने की ज़रूरत है. फॉरगिवनेस का टॉपिक सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है, फैमिलीज के लिए भी है. बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिलीज ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू फॉरगिव. उनको भी उनकी भी पास्ट रिजेंटमेंट्स आगे आ रही होती हैं तो वो भी रह रहे कि उनको ख्याल आता है कि एक्टिव एडिक्शन में प्यारे ने जो कुछ किया था, हमारे लव्ड वन ने जो कुछ भी किया था, फिर हो सकता है या उनको दुख होता है उस चीज़ का और वो उस दुख से निकले नहीं होते अभी तक. वो इस चीज़ को समझते नहीं है कि वो डिजीज था. कहीं ना कहीं वो बिलीव कर रहे होते हैं कि उसने जानबूझ के कॉन्शियस ये चीज़ की थी. हम यहाँ पे बताते हैं कि वो डिजीज था, उनके भी इख्तियार में नहीं था. तो जो ग्रीफ रिकवरी का पीरियड होता है शुरू में उसमें हम फैमिली का भी डिनायल तोड़ते हैं क्योंकि फैमिली भी हमारे पास डिनायल में आती है. हमने उनका भी तोड़ना होता है डिनायल. एक्सेप्टेंस इज नॉट गिविंग इन और गिविंग अप. क्या मतलब गिविंग इन से क्या मतलब है. हिम्मत नहीं हारे बेसिकली. हिम्मत नहीं हारना तो गिविंग अप हो जाएगा. गिविंग इन ये होगा कि जो जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपकी यू आर नॉट गिविंग इन टू देम. यू आर एक्चुअली रिप्लेसिंग द नेगेटिव फीलिंग्स विद पॉजिटिव वंस. रिजेंटमेंट्स को गिव इन नहीं कर रहे आप रिजेंटमेंट्स को रिजॉल्व करके उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे. दैट्स एक्चुअली एक्सेप्टेंस. गिविंग इन नहीं है. गिव अप कर दिया कि ठीक है. गिविंग इन ये होगा कि जो आपकी रिजेंटमेंट्स हैं उसमें गिव इन कर दिया. रिजेंटमेंट्स हैव टेकन ओवर यू एंड यू आर लेटिंग रिजेंटमेंट्स रन यू. एक्सेप्टेंस हमें लगता है कि हम इस चीज़ को हाँ गिव इन कर देंगे इस चीज़ में कि ठीक है रिजेंटमेंट तो है. ये गलत है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस ये होगा कि रिजेंटमेंट्स जो हैं उनको लेट गो करके आगे बढ़ना. ये होगा एक्सेप्टेंस एक्चुअली में. तो एक्सेप्टेंस के बाद आती है फॉरगिवनेस, जो हम तब से बात कर रहे हैं ओवरऑल फॉरगिवनेस की. लास्ट जो चीज़ है वो है रेस्टोरेशन. कि यू रिस्टोर योर फेथ, यू रिस्टोर योर सेंस ऑफ सेल्फ, यू रिस्टोर योर इनर पीस एंड यू रिस्टोर लव एंड हार्मनी.
सबसे पहले आप अपने ईमान को रिस्टोर करते हैं, तो जो हम कहते हैं कि रिकवरी पे ईमान ले आए, कि आप अपने फेथ को स्ट्रेंथन करते हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जो हम जाते हैं, जो हमारी रिकवरी की स्पिरिचुअल जर्नी है, वो यही है ना कि हम अपना फेथ रिस्टोर कर रहे हैं इन थिंग्स, इन पीपल, इन द हाईएस्ट पावर, इन द हायर पावर्स एज वेल, इन वन सेल्फ आल्सो, यस, अपने अंदर भी फेथ करो। यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ कि मैं ये रिकवरी कर सकता हूँ, पॉसिबल है मेरे लिए ये रिकवरी करना। जब हमारी सेंस ऑफ सेल्फ लॉस्ट हो जाए तो इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट है कि आप इनर पीस को रिस्टोर करते हैं, तो जो हम कहते हैं ना कि जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेरेनिटी जो आ जाती है हमारे अंदर, नफ्स मुतमईन जो आ जाती है, जब उस चीज़ को आप रिस्टोर करते हैं, तब आप फॉरगिवनेस की तरफ, यानी कि फॉरगिवनेस से फिर आगे बढ़ते हैं। फॉरगिवनेस हो गई, यू फॉरगिवन योरसेल्फ, अब ये रेस्टोरेशन है जो चीज़ें ख़राब हो गई थी फॉरगिव ना करने की वजह से। लास्ट है पीस और हारमोनी, या लव और हारमोनी को रिस्टोर करना, कि जो ख़राब रिश्ते थे फैमिली के साथ, जो लव या हारमोनी ख़त्म हो गई थी, हारमोनी ख़त्म हो जाती है ना अहमद साहब, क्योंकि सारे डिफरेंट पेजेस पे होते हैं, तो उसको एक हारमोनी क्रिएट करना कि हम इकट्ठे मिल के इस कॉपरेट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ें इस चीज़ से, एज अ फैमिली, एज अ होल यूनिट। ये है बेसिकली फॉरगिवनेस के बाद आगे वाला जो स्टेप है। कुछ लोग फॉरगिवनेस पे रुक जाते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी कह देते हैं, फॉरगिवनेस मांग लेते हैं, या कहते हैं कि ठीक है माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रवैये ठीक नहीं होते, हमारे बिहेवियर्स या हमारी बातें ठीक नहीं होती, हम फिर भी कहीं ना कहीं उनको ताने ज़रूर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इन चीज़ों को रिस्टोर करें, अपने फेथ को, अपने सेंस ऑफ सेल्फ को, अपने इनर पीस को, और अब लव और हारमोनी को। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।